प्यारे बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस करेंगे, जो बेस्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। अभी तक हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, एलिमिनेशन मेथड देखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब देखेंगे। दो मेथड हो चुके हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम इसके डायरेक्ट एक्स और वाई की जो वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, वहां से बात करेंगे इसकी। एक्सरसाइज 3.5। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन? इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसके फोर पार्ट्स हैं, इस पे हमको ये चूज करना है, पहले बताना है कि कौन सा पार्ट यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है या नो सॉल्यूशन दे रहा है। अगर कोई पार्ट यूनिक सॉल्यूशन देगा तो उस पार्ट को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट, एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स माइनस नाइन वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाले को, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों से कंपेयर करेंगे। अब कंपेयरिंग के बाद में हमको मिलता है, दिस गिव्स ए वन इज इक्वल टू वन, बी वन इज इक्वल टू माइनस थ्री, सी वन इज इक्वल टू माइनस थ्री, ए टू इज इक्वल टू थ्री, बी टू इज इक्वल टू माइनस नाइन, सी टू इज इक्वल टू माइनस टू। देन अब हमको चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन, तो पहले हम निकाल लेते हैं ए वन बाई ए टू क्या आया। ए वन बाई ए टू दिखाई, ए वन बाई ए टू तो हम यहां पे लिखेंगे वन बाई थ्री। अब निकालते हैं बी वन बाई बी टू, तो जब बी वन बाई बी टू की बात करेंगे तो बी वन बाई बी टू भी निकालेंगे, तो बी वन बाई बी टू यानी माइनस थ्री अपॉन माइनस नाइन, माइनस कैंसिल, तो ये भी वन बाई थ्री आ गया। तो सी वन बाई सी टू निकाल के देख लेते हैं, माइनस थ्री अपॉन माइनस टू। तो ये जो कंडीशन आई इन थ्री बाई टू, तो हियर वी सी दैट ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ये केस याद आ गया होगा, अगर ऐसा कोई केस आता है कि ए वन बाई ए टू और बी वन बाई बी टू इक्वल है, सी वन बाई सी टू नहीं इक्वल है, तो ये कंडीशन में नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब हमने दिखा दिया कि फर्स्ट पार्ट में नो सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में जब कंपैरिजन करेंगे तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये इसका प्रॉपर मेथड है लिखने का। तो हम इसको फर्स्ट को ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो से करेंगे कंपेयर, तो ए वन इज इक्वल टू, सब लोग जान गए, टू बी वन वन एंड सी वन माइनस फाइव, ए टू थ्री, बी टू टू एंड सी टू माइनस एट। यह आ गया। अब यहां पे लिखेंगे हियर ए वन अपॉन ए टू, तो टू अपॉन थ्री, एंड बी वन अपॉन बी टू तो वन अपॉन टू। फिर से लिख देंगे हियर ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। तो जब कभी ये कंडीशन होती है तो ये इस केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और हमको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो उसको हम लोग
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास आता है क्रॉस मल्टी, तो लिख देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो x इज इक्वल टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब इसमें केवल हमको वैल्यूज पुट करनी, हमने ए वन बी वन सी वन पहले से लिख रखा है, तो b1 की वैल्यू है 1, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे क्योंकि माइनस प्लस में वैल्यूज आ सकती हैं, फिर c2 की वैल्यू है माइनस एट, माइनस b2 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है माइनस फाइव अपॉन ए वन बी टू, ए वन की वैल्यू है 2, बी टू की वैल्यू है 2 माइनस ए टू की वैल्यू है 3 और बी वन की वैल्यू है 1, ये आ जाएगा माइनस एट और ये फाइव टू जा 10 प्लस 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस साइन से, टू टू जा 4, 4 माइनस 3 तो नीचे 4 माइनस 3 1 हो जाएगा और ऊपर 8 माइनस 10 2 आ जाएगा पॉजिटिव 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 2, अब x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब y के लिए निकालते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम x और y को दोनों को इस फार्मूले से निकालेंगे, हम वैल्यूज पुट करके नहीं निकालेंगे। तो उसके लिए c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, तो c1 की वैल्यू फिर से माइनस 5, a2 की वैल्यू 3, वैल्यूज पे ध्यान देंगे, वैल्यूज गलत नहीं होनी चाहिए, ये माइनस फिर माइनस एट लगा रहे हैं क्योंकि सी टू और फिर ए वन की वैल्यू टू, ब्रैकेट का स्पेशली ध्यान देंगे तो गलत नहीं होगा। अपॉन अब है ए वन बी टू, तो ए वन बी टू यहां से अभी हमने निकाला था तो हम डायरेक्टली वैल्यू इसकी पुट करके इसको हम 4 माइनस 3 कर दे रहे हैं क्योंकि वही आएगा। अब क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर में टर्म सेम है तो अगर यहां 4 माइनस 3 1 तो यहां पर भी, तो माइनस 15 और 8 टू जा 16, ये प्लस 16 आ जाएगा अपॉन 1 आ जाएगा और 16 माइनस 15 1 आएगा, तो y इज इक्वल टू 1। तो इस मेथड से हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब अदर टू पार्ट्स आप इसको होमवर्क में कर लेंगे, जिस भी मेथड से अगर वो यूनिक सॉल्यूशन देगा तभी हम उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, फर्स्ट पार्ट, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये दो पेयर दिए गए हैं और ए और बी की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है और इन्होंने कहा कि कंडीशन बताया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन याद होगा कि ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तीन ही कंडीशन होती हैं। ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू तो यूनिक सॉल्यूशन, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू नो सॉल्यूशन, और ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देन ए वन की वैल्यू डायरेक्टली यहां पे हमको दिखाई दे रही है ए वन, अब हम कंपेयरिंग कर लेंगे, ओरली भी कंपेयर कर सकते हैं, तो ए वन की वैल्यू साफ साफ सबको दिखाई दे रही होगी, ए वन की वैल्यू है 2, ए टू की वैल्यू है ए माइनस बी, बी वन की वैल्यू है 3, बी टू की वैल्यू है ए प्लस बी, सी वन की वैल्यू है माइनस 7 और हमने इसको ट्रांसपोज करके लिखा है जो क्वेश्चन में दिया था, और माइनस 3 ए प्लस बी माइनस 2, ये हमने ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू सबकी वैल्यूज पुट कर दी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो फर्स्ट सेकेंड के इक्वल है, सेकेंड थर्ड, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम पहले फर्स्ट को सेकेंड से कंपेयर करते हैं और फिर फर्स्ट को ही थर्ड से कंपेयर करते हैं। ऐसा करने पर कोई भी एक टर्म कॉमन होना चाहिए दोनों में, जैसे हमने वन को
थर्ड से, यानी कि 1 3 और 2 3, तो 3 इसमें कॉमन हो जा रहा है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 को 2 से करें और 2 को 3 से करें, तब उन दोनों में भी कॉमन हो जाएगा। तो चाहे जैसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो अगर हम 1 3 2 3 का भी रूल लगा दें तो 1 को थर्ड टर्म से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिस गिव्स 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 जा 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। ट्रांसपोज दिस टर्म टू लेफ्ट साइड तो 6a प्लस 2b माइनस 4 माइनस 7a प्लस 7b इज इक्वल टू 0। 6a माइनस 7a तो क्या आया, माइनस 8, ठीक है। 2b प्लस 7b प्लस 9b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। हमने फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर किया, चलो अब सेकंड को भी थर्ड से कंपेयर कर लो। नाउ थ्री अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका भी, तो 3 3 जन 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। ट्रांसपोज दिस टर्म टू लेफ्ट साइड 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 0। 9a माइनस 7a 2a, 3b माइनस 7b माइनस 4b, साइन का ध्यान देंगे, और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो जा रहा, तो उसको सिंपलर कर ले थोड़ा सा। तो a माइनस 2b 2 से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड को एक साथ लिखेंगे, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा है क्या। a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, टर्म सेम है, साइन अपोजिट है, तो एडिंग, ऑन एडिंग ये कैंसिल हो गया। 9b माइनस 2b 7b, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो 7b इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू 1 आ गई। फ्रॉम सेकेंड, अब सेकेंड में बी की वैल्यू 1 पुट कर दे रहे हैं, ए माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो गया, तो ए इज इक्वल टू इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 पर ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इस पार्ट के लिए हमको नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी, नो सॉल्यूशन की कंडीशन अभी हमने बताई थी, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन अभी हम बता रहे हैं इसमें भी कैसे लगाएंगे। इसके पहले हम इसको 1 को इस साइड ट्रांसपोज कर लेंगे, 2k प्लस 1 को इस साइड ट्रांसपोज करके लिख लेंगे। ये लिखने के बाद में कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अब यहां पर ए वन बाई ए टू, ए वन दिख रहा सबको साफ साफ दिख रहा होगा कि 3 है, ए टू भी दिख रहा है कि 2k माइनस 1 है, और b1 की वैल्यू a1 b1 तो 1 है, b2 की वैल्यू k माइनस 1 है, नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू माइनस 1 और माइनस 2k प्लस 1। ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर ये नॉट इक्वल टू, तो हम इन दोनों को कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k की वैल्यू तुरंत आ जाएगी एंड सॉल्व इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर थ्री, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बहुत सिंपल है, ये फर्स्ट सेकेंड दो इक्वेशन दिए गए हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना होगा। तो ये जो नाइन है इधर ले आएंगे, माइनस नाइन इक्वल टू जीरो और ये माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू कंपेयर करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा देंगे एक्स और वाई का जो हमने भी फार्मूला बताया। दूसरा, इसको जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो वन से अगर एक्स की वैल्यू निकाला तो टू में पुट करेंगे, अगर टू से निकालते हो तो वन में पुट करेंगे। जरूरी नहीं कि हम एक्स ही निकालें, एक्स निकाल सकते हो या वाई निकाल सकते हो। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन खुद आप करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अल्जेब्रिक मेथड। जब कभी ऐसा लिखा रहता है एनी अल्जेब्रिक मेथड, तो हम उस क्वेश्चन में किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अब तक सबको पता चल गया होगा कि जब हमको एनी अल्जेब्रिक मेथड की छूट मिल जाती है तो हम लोग उसमें केवल एलिमिनेशन यूज करते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन इजी पड़ता है। अगर किसी को और कोई इजी लगा हो सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो उसको भी वो कर सकते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, सी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेज, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days पेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेज। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड कास्ट ऑफ फूड पर डे। मतलब कि एक किसी को हॉस्टल में रहने का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है, लेकिन अगर वो मेस यूज करता है, वहां से फूड लेता है, तो उसका वो जितने दिन लेगा उतना चार्ज एडिशनल होगा। तो यहां पर हमारे पास टू टाइप्स के चार्जेस की बात किए गए हैं, एक फिक्स्ड चार्ज और दूसरा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू वाई। अब यहां पे बोला अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, तो अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है तो वो एक्स रुपीज तो देगा ही, क्योंकि हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स उसको देना है। और उसने फूड कितने दिन लिया, 20 days, तो 20 into y हो जाएगा। और दोनों ने, इन दोनों को मिला करके कितना पेमेंट किया उसने, 1000 rupees, इक्वेशन नंबर वन। अब आते हैं वेयर एज अ स्टूडेंट बी Who takes food for 26 days, तो स्टूडेंट बी भी x तो देगा ही देगा और प्लस 26 y, उसने 26 days फूड लिया तो वो 26 y पेमेंट करेगा, और इसने पेमेंट किया टोटल मिलाकर के हॉस्टल चार्ज और 26 days फूड का 1180 rupees। ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। अब इसको हमें बोला गया है कि इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है कि फिक्स्ड चार्ज क्या है, फूड का चार्ज क्या है। तो दोनों टर्म हमारे पास सेम दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्यों ना इसको यहाँ पे लिख देते हैं ऑन सब्सट्रैक्टिंग। ऐसे केस तुरंत सॉल्व कर लेने चाहिए और एलिमिनेशन मेथड ही बेस्ट वे होता है इसका। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया 20 y से। अब ये नहीं देखना है कि कौन ज़्यादा कौन, बाकी साइन मैनेज हो जाएगा। तो 20 y से 26 y सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस 6 y आया। अब 1000 से 1180 माइनस होगा तो माइनस 180 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू 30, वाई कितना आ गया, 30 रुपीज आया, यानी कि जो पर डे फूड का जो चार्ज था वो 30 रुपीज था। तो वाई आ गया तो एक्स तो तुरंत आ जाएगा। देन फ्रॉम वन एक्स प्लस 20 into 30, ये 30 y की वैल्यू, 20 y लिखा था इज इक्वल टू 1000, तो x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 400, तो 400 रुपीज हॉस्टल का फिक्स चार्ज और 30 रुपीज पर डे फूड का चार्ज। सेकेंड पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स
1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1 by 4 when it is added to its denominator. Find the fraction. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. लेट न्यूमरेटर बी एक्स. कभी भी जब फ्रैक्शन के लिए पूछा जाए तो न्यूमरेटर को एक्स मान लिया, डिनोमिनेटर को वाई, और हमारा जो फ्रैक्शन बन करके आ गया वो एक्स वाई वाई का फॉर्म आ गया. ये तीन लाइन तो सब लोग लिख सकते हैं. क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है. अब कहते हैं फ्रैक्शन बिकम्स, बिकम्स की प्लेस पर भी आप क्या लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे. अब फ्रैक्शन बिकम्स यानी एक्स अपॉन वाई बिकम्स इक्वल टू 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर है एक्स, तो एक्स से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया. 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, और इसको यहीं पे सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके. 3x-3 इज इक्वल टू वाई. दिस गिव्स 3x-y-3 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1. अब साथ में कह रहा है एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. एंड डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया गया एंड इट बिकम्स 1/4, तब ये 1/4 बनता है. इसको भी साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो 4x इज इक्वल टू y प्लस 8. दिस गिव्स 4x-y-8 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन सेकेंड. अब फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल है, एक साथ हम इसको लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. तो 3x-y-3 इज इक्वल टू 0, 4x-y-8 इज इक्वल टू 0. दोनों टर्म सेम, दोनों की साइन सेम, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्शन जो हुआ इसमें क्या होगा, साइन बदल जाएगी, माइनस प्लस प्लस, इधर जीरो का कोई मतलब नहीं, ये कैंसिल हो गया. 3x-4x-8-3 कितना हुआ, प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 कैंसिल होकर के एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया. चलो भाई, अब वाई देखते हैं कितना आ रहा है. फ्रॉम 1 फर्स्ट नंबर पे देख लो, तो 1 पे कह रहा है कि 3x-y-3 इज इक्वल टू 0. तो 3 × 5 = 15, 15 - 3 = 12, उधर जाएगा तो -12, तो -y इज इक्वल टू -12. साइन का ध्यान देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, y इज इक्वल टू 12. देन फ्रैक्शन बिकम्स x/y यानी कि 5/12. फ्रैक्शन हमारा 5/12 आ गया. थर्ड पार्ट, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इन करेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. तो किसी भी टेस्ट में माइनस मार्किंग का रूल है, तो माइनस मार्किंग अगर हो रही है तो उसमें एस को 40 मार्क्स मिले, और कंडीशन क्या थी कि हर एक राइट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिलते थे और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट होते थे. तो लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर राइट आंसर, ऐसे क्वेश्चन जिसका इन्होंने राइट आंसर दिया वो हमने लिख लिया एक्स, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग आंसर जिनका उसने दिया उसको लिख लिया वाई. एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे और बाद में दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे.
यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स, तो अगर उसने एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स उसको मिलता है तो उसने एक्स क्वेश्चन सही किए तो 3x मिला होगा, और 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है ईच रॉन्ग आंसर पे, तो -1 × y, हमने 1 × y लिखा है समझाने के लिए, वो पढ़ा जाएगा केवल y ही, 1 × y। माइनस क्यों किया गया? क्योंकि डिडक्शन हो रहा है, ये माइनस मार्किंग में कट रहे हैं नंबर, तो इसलिए ये माइनस लगाया जाएगा। और इन दोनों के रिजल्ट से क्या मिला उसको? 40 मार्क्स मिला इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉइडेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, आल्सो 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए एंड 2 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए, इस केस में उसको मिलता है 50 मार्क्स। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड कर दें इसको, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। सेकेंड क्वेश्चन, अब दो इक्वेशन हो गए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 40, 2x माइनस y इज इक्वल टू 25, दोनों की साइन सेम, टर्म सेम, तो सब्सट्रैक्शन करेंगे और सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, ये बात बता चुके हैं पहले भी, कई बार बता चुके हैं, ये कैंसिल, 3x से 2x गया x और 40 से 25 सब्सट्रैक्ट हुआ आया 15। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर उसने सही दिए वो 15 क्वेश्चंस थे। तो अब दूसरा निकालते हैं, देन फ्रॉम फर्स्ट, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब 3 × 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो 15 × 3 = 45, तो 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45, ये उधर जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, तो वाई इज इक्वल टू 5, तो 15 और 5 को ऐड कर देंगे, देन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। उस क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चंस थे। फोर्थ पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, वॉट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स। ए एंड बी, ये 2 प्लेसेस की बात की गई है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, यहां पर हम कार ए पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है और हम इसको कार ए नेम दे देंगे, और सेकंड कार जो है वो कार बी, इसको नेम दे देंगे कार बी, सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है और सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों एक ही, यानी कि अगर कार ए इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कार बी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड अलग अलग है, ठीक है, देन दे मीट इन 5 आवर्स, तो आफ्टर 5 आवर्स दे मीट एट पॉइंट सी, यानी कि बी से सी तक जाने में डिस्टेंस कितनी ये नहीं पता चला, लेकिन बी से सी तक जाने में इसको 5 आवर्स का टाइम लगता है, यानी कि आफ्टर 5 आवर्स
दे विल मीट एट पॉइंट सी, ठीक है। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अब कंडीशन कह रही है दूसरी कंडीशन कि अगर हम ए बी की बात करें और ये 100 किलोमीटर ही है, अगर कार ए इस डायरेक्शन में और कार बी इस डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करती है तो दोनों आफ्टर वन आवर ये कहीं ना कहीं पे मीट कर जाएंगे। ये हो सकता है यहाँ मीट करे, यहाँ मीट करे, इधर मीट करे, कहीं मीट कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों एक घंटे में मीट कर सकते हैं। ये दो कंडीशन है और इन दोनों कंडीशन से हमको कार की स्पीड निकालनी है। तो पहला कंडीशन डिस्कस करते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। हमने दोनों कार की स्पीड सपोज कर ली एक्स एंड वाई किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास फार्मूला था, सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला वेल नोन फार्मूला है, बहुत पुराना फार्मूला है, बहुत दिन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इससे अगर हम निकालते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, तो स्पीड इनटू टाइम बोलोगे सब लोग। अब हमारे पास कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, यानी कि आफ्टर फाइव आवर्स अगर मीट कर रहा है तो कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है एक्स और फाइव आवर्स तक लगातार ट्रैवल किया होगा कार ए, और कार बी भी फाइव आवर्स तक ट्रैवल किया, तो दोनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तो कार ए ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 5x, हमने 5 जो टाइम लगा 5 आवर्स वो पहले लिखा, स्पीड x बाद में लिखा। सेम ऐसे लिख देते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी इज इक्वल टू, तो ऑब्वियस सी बात है ये 5y होगा क्योंकि B से C तक की जो डिस्टेंस कवर किया उसने 5 आवर्स लगा दिए और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जरा ध्यान से देखना किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, कार A ने या कार B ने। तो कार A ने डिस्टेंस ट्रेवल की क्योंकि इसने यहां से यहां तक का ट्रेवल किया, तो देन और कितना ज्यादा ट्रैवल किया कार बी से, 100 किलोमीटर। तो कार ए की जो डिस्टेंस है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, किलोमीटर ना लिखो 100। तो अब 5 से डिवाइड कर देते हैं तो x माइनस y इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 1। सेकंड केस की बात करते हैं, कार ए इधर से चलता है तो 1 आवर और कार बी भी 1 आवर, तो यानी जहां पे 5 की बात की गई थी अब वो फॉर सेकेंड केस, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इज इक्वल टू, हम इसको 1x लिख रहे हैं, 1x का मतलब x ही होता है, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई कार बी इज इक्वल टू 1y, क्योंकि एक घंटा कार ए चला तो एक घंटा कार बी भी चला, आफ्टर 1 आवर दोनों मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे। अब जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो ये एड होगा डिस्टेंस, तो इस केस में देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब हमने 1x नहीं लिखा, 1y नहीं लिखा डायरेक्टली, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2। अब इससे तो इजी कोई पेयर अभी तक बना ही नहीं लीनियर इक्वेशन का, बहुत सिंपल है फ्रॉम 1 एंड 2, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, एडिंग वाई कट गया, अगर सब्सट्रैक्टिंग करते तो एक्स कट जाता,
तो 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कार ए की जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर, तो बहुत सिंपल तुरंत निकल गया, ओरली ही सॉल्व हो गया। कार बी की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर ये आ जाएगा, यानी कि कार ए और कार बी की जो स्पीड है, एक्स की वैल्यू हमने कहीं पुट कर दिया तो वो उससे निकल गया कार ए की स्पीड। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कर सकता है। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट द एरिया इंक्रीजेज बाई 67 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। इस पार्ट के लिए, लास्ट पार्ट के लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम लोगों ने एक एरिया, एक रेक्टेंगल सपोज कर लिया ABCD जिसकी लेंथ x और ब्रेथ को y मान लिया। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट, तो यानी कि एरिया जो होगी वो एक्स वाई होगी, वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस कर जाएगी। कब कर जाएगी 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस कब कर जाएगी? व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट, तो लेंथ में 5 यूनिट हमने रिड्यूस कर दिया। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट, और ब्रेथ में 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया। लेंथ रिड्यूस हुई और ब्रेथ इंक्रीज हुआ। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो 3x माइनस 5y, 9 इधर आएगा पॉजिटिव, तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बना। अब सेकेंड इक्वेशन की बात इसकी करते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, एंड लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज किया गया, एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट, तो ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज किया गया, तो जो एरिया इंक्रीज हुई वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हुई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y, और ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस, तो माइनस 61 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्स्ट और सेकेंड को आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और x और y की वैल्यू आ जाएगी, वही रेक्टेंगल के डायमेंशन हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस कर लिया। इसके बाद की वीडियो में हम बताएंगे इक्वेशंस रिड्यूसबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, और वो हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अदर स्टूडेंट को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।